नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 14 अप्रैल। सुर्खियों की तरफ बढ़ने से पहले, अगर आप क्रिकेट से जुड़ी खबरों से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे YouTube चैनल चक दे क्रिकेट को सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। बिहार के सभी प्रारंभिक शिक्षक जल्द ही जाएंगे नौकरी पर। मैट्रिक कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा इस दिन से होगी शुरू। बिहार में श्रमिकों के बच्चों को मिलेगा 25,000 रुपए। बिहार सरकार के रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए नौकरी पाने का मौका। इतने हजार वार्डों में नहीं हुआ क्रियान्वयन और प्रबंधन समिति का गठन। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार के सभी प्रारंभिक शिक्षक अब जल्द ही नौकरी पर जाएंगे। बिहार में शिक्षक नियोजन का काम सरकार ने कुछ समय पहले ही किया है, लेकिन अब तक इन शिक्षकों को नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाए हैं, जिसके बाद से ही सभी शिक्षकों में रोष का माहौल था। हालांकि अब बिहार के सभी प्रारंभिक शिक्षकों को जल्द ही उनका नियुक्ति पत्र मिलने वाला है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र के माध्यम से विशेष चक्र से चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र 18 अप्रैल से देने का निर्देश दिया गया। लंबे समय से शिक्षक अभ्यर्थी की नियुक्ति पत्र की मांग कर रहे हैं। वहीं शिक्षा विभाग की तरफ से जारी निर्देश के बाद अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे अरविंद श्रीवास्तव की। अरविंद श्रीवास्तव मधेपुरा बिहार से हिंदी के कवि और लेखक हैं। वो संपादन, रेखांकन और अभिनय प्रसारण जैसे कई विधाओं से जुड़े हुए हैं। मुद्रित पत्रिकाओं के साथ साथ वो वेब पत्रिकाओं में भी सक्रिय रूप से प्रकाशित रहते हैं। इस इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर अध्ययन के बाद उन्होंने मधेपुरा जिला का ऐतिहासिक सर्वेक्षण विषय पर शोध कार्य किया है। हिंदी, उर्दू और मैथिली तीनों भाषाओं में सक्रिय वो स्तंभ लेखन, संपादन और संयोजन और क्षेत्रीय फिल्मों में अभिनय से भी जुड़े हुए हैं। कारखाने का संयोजन उनकी एक विशेष उपलब्धि थी। इस समय वो वेब दैनिक कोसी खबर, अपनी माटी और जन शब्द का संपादन कर रहे हैं। मैट्रिक कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा इस दिन से होगी शुरू। बिहार बोर्ड ने इंटर के कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा की तारीख जारी करने के बाद अब मैट्रिक कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा की तारीख की घोषणा कर दी है। साथ ही परीक्षा का पूरा स्केड्यूल भी जारी कर दिया गया है। बिहार बोर्ड की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार परीक्षा 5 मई से 9 मई तक चलेगी। कंपार्टमेंटल परीक्षा 2 पालियों में ली जाएगी। पहली पाली सुबह 9:30 बजे से, जबकि दूसरी पाली 1:45 से शुरू होगी। परीक्षा के पहले दिन पहली पाली में गणित और दूसरी पाली में विज्ञान विषय की परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा शुरू होने के पहले 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाएगा। वहीं ऐसे दिव्यांग छात्रों को 20 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। शादी को लेकर होटल बुक करने में आपकी मदद करेगा अब पर्यटन विभाग। अगर आप भी आने वाले शादी के सीजन में होटल की तलाश में हैं, लेकिन आपको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो परेशान होने की अब कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पर्यटन विभाग अब होटल ढूंढने में आपकी मदद करने वाला है। दरअसल इन शुभ कार्यों के लिए विभाग बिहार पर्यटन विभाग की तरफ से होटल को बुक कराया जा सकेगा। विभाग ने इसके लिए कई पैकेज भी तय किए हैं। पर्यटन विभाग के मंत्री नारायण प्रसाद की माने तो इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य लोगों को सुविधा देना है। विभागीय स्तर पर इसके लिए 3 पैकेज तैयार किए गए हैं। प्रत्येक पैकेज 24 घंटे के लिए मान्य होंगे, जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में किए जा सकते हैं। यानी कि अब आप विभाग की मदद से अपनी जरूरत के अनुसार पैकेज को बुक करा सकते हैं। दिल्ली परिवहन निगम DTC ने निकाली रिक्तियां। दिल्ली परिवहन निगम DTC ने अनुभाग अधिकारी, सहायक फिटर, सहायक इलेक्ट्रीशियन, सहायक फोरमैन के कुल मिलाकर 367 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास सिविल, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में डिप्लोमा, ITI या समकक्ष की डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 11 मई 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट www.dtc.nic.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL से जाकर ले सकते हैं। बिहार में श्रमिकों के बच्चों को मिलेगा 25,000 रुपए। बिहार के सभी श्रमिकों के बच्चों को अब शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे अंक लाने के लिए बिहार सरकार मोटी रकम देने वाली है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार निबंधित निर्माण कामगारों की 2 संतानों को बिहार बोर्ड की तरफ से आयोजित मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में प्रथम श्रेणी आने पर पुरस्कार दिया जाएगा। 80% से अधिक अंक लाने पर 25,000, 70 से 79.99% लाने पर 15,000, जबकि 60 से 69.99% अंक लाने पर 10,000 रुपए दिए जाएंगे। हालांकि ध्यान रहे, ये लाभ उन्हीं श्रमिकों के बच्चों को मिलने वाला है जो बिहार भवन एवं अन्य स्वनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड से निबंधित है। इसको लेकर श्रम मंत्री जीवेश कुमार ने भी बताया है कि निर्माण श्रमिकों के बच्चों के शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान है।
अब ट्रेन टिकट बुक करना हुआ मिनटों का काम, 50 रुपए की भी मिलेगी छूट। रेड बस ने भारत में ऑनलाइन ट्रेन बुकिंग के लिए रेड रेल नाम से एक अलग लाइट ऐप लॉन्च कर दिया है। जिन्हें नहीं पता उन्हें हम बता दें कि ये मेक माय ट्रिप के स्वामित्व वाली पोर्टल देश में सबसे बड़ा बस टिकट बुकिंग एप्लीकेशन है, जिसका उद्देश्य लाखों ट्रेन यात्रियों के लिए ऑनलाइन बुकिंग में सुधार करना है। इससे पहले रेड रेल इन ऐप फीचर के रूप में रेड बस ऐप का एक हिस्सा था। हालांकि इसमें अब ये है कि इसका स्टैंड अलोन ऐप मिल गया है। ग्राहक अब 10% छूट का लाभ उठाने के लिए रेड रेल ऐप के माध्यम से IRCTC ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं, जो कि प्रोमो कोड लव रेल का उपयोग करके 50 रुपए तक की छूट का लाभ उठा सकते हैं। 20 अप्रैल तक वैध एक विशेष प्रचार प्रस्ताव के लिए भाग के रूप में यूजर को किसी भी प्रोसेसिंग फीस या पेमेंट गेटवे चार्जेस का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी। बिहार में अभी लू से नहीं मिलेगी राहत। बिहार की गर्मी इस बार के सभी पुराने रिकॉर्ड को तोड़ रही है। कई जिलों में अभी लू जैसे हालात है। हालांकि कई ऐसे भी जिले हैं जहां बारिश को लेकर संभावनाएं जताई जा रही है, लेकिन ज्यादातर जिलों में लू परेशानी बढ़ा सकती है। मौसम विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भाग के बक्सर, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर और गया, पटना, शेखपुरा, नालंदा में 2 दिनों तक लू की स्थिति बने रहने के आसार जताए गए हैं। दक्षिण मध्य भाग में पछुआ की गति 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। वहीं 48 घंटों के दौरान दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भाग वाले स्थानों के तापमान में सामान्य से 2 से 3 डिग्री की वृद्धि होगी। वहीं उत्तर पूर्व जिलों के अररिया, किशनगंज में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। बिहार में इस साल आम पर लगा ग्रहण। बिहार में आम के लोगों के बीच में अलग अलग लोकप्रियता है, क्योंकि बिहार में आम की इतनी सारी वैरायटी देखने को मिलती है कि इसके दीवाने बहुत हैं, और यही कारण भी है कि बिहार में आम के सीजन का इंतजार लोग करते हैं। हालांकि इस बार लोगों को आम की कम पैदावार का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि विशेषज्ञों की माने तो इस साल आम पर मौसम की मार देखने को मिल रही है। उत्पादकों की माने तो पहले ठंड ज्यादा दिनों तक रहने के कारण मंजर देर से आए, और अब अचानक तापमान में वृद्धि होने और कुछ इलाकों में तेज आंधी के कारण टिकोले नष्ट हो रहे हैं या गिर गए हैं। किसानों का कहना है कि कुछ इलाकों में कीट भी टिकोले को प्रभावित कर रहे हैं। कई जिलों में आम के मंजर सूख कर काले हो गए हैं। कृषि वैज्ञानिक और उत्पादक मान रहे हैं कि तापमान अधिक होने से ऐसा हो रहा है। बिहार सरकार के रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए नौकरी पाने का मौका। अगर आप भी बिहार सरकार के अधीन काम कर चुके हैं और अब रिटायर हो चुके हैं, तो आपके पास नौकरी पाने का एक सुनहरा मौका है, जो कि रेलवे ने जारी किया है। रेलवे की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार के सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारियों को रेलवे संविदा पर अपने यहां फिर से नौकरी देगा, क्योंकि पूर्वोत्तर रेलवे का निर्माण संगठन नई रेल लाइन बिछाने, अमान परिवर्तन और डबलिंग जैसे कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। जमीन अधिग्रहण से लेकर वन विभाग से जुड़े कई काम के लिए रेलवे का निर्माण संगठन अनुभवी लोगों को तैनात करेगा। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार इन दोनों राज्यों के वन और राजस्व विभाग से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को 26 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऐसे में अगर आप भी इस मौके का लाभ उठाना चाहते हैं, तो पूर्वोत्तर रेलवे की वेबसाइट www.ner.indianrailways.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। बिहार के मजदूरों को अब अनाज नहीं बल्कि मजदूरी के बदले चाहिए कैश। बिहार में बेरोजगारी बड़ी समस्या है। ऐसे में बिहार में बीते लंबे समय से एक प्रथा चलती आ रही है, जिसके तहत ही मजदूरों को मजदूरी के बजाय अनाज दे दिया जाता था और मजदूर खुशी खुशी ले भी लेते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि खेती और मनरेगा में काम करने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे। जो मजदूर मिल रहे हैं उन्हें कैश में मजदूरी चाहिए। वो किसानों से मजदूरी के बदले अनाज लेने को तैयार नहीं है। अनाज तो उन्हें राशन में मुफ्त में मिल ही जाता है। उधर किसानों के पास नकदी नहीं है, जिससे मजदूरों को कैश भुगतान कर सके। ऐसी स्थिति में परेशानी खड़ी हो गई है। समस्तीपुर के विद्यापति धाम में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। विद्यापति नगर प्रखंड के विद्यापति धाम परिसर एक ऐसा स्थल है जहां भगवान और भक्त दोनों की पूजा की जाती है। विद्यापति धाम के उगना महादेव मंदिर, विद्यापति स्मारक आदि के दर्शन आप कर सकते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकवि विद्यापति की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके यहां उगना नाम से सेवक बनकर आए थे। कालांतर में जब एक दिन उगना अचानक गायब हो गए, तो विद्यापति उनकी तलाश में विद्यापति धाम तक आ पहुंचे। कहा जाता है कि मां गंगा ने भी महाकवि की भक्ति से प्रभावित होकर उन्हें दर्शन दिया था। महाकवि ने गंगा के दर्शन के बाद अपने शरीर का त्याग कर दिया, तभी से समस्तीपुर के विद्यापति धाम की ख्याति है। यहाँ पर लंबे समय से महाकवि के नाम पर महोत्सव का आयोजन भी किया जाता है। बघाने दिए देश को 275 SSB जवान।
बीते दिन बिहार में SSB 65वीं शिविर में 275 नव प्रशिक्षुओं का दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। प्रथम दीक्षांत समारोह में 275 नव प्रशिक्षुओं को GD की उपाधि मिली। इसमें नव प्रशिक्षुओं ने ट्रेनिंग की और दक्षता और कठिन परिश्रम की उत्कृष्टता को प्रदर्शित किया। उनकी कला और साहस को देखकर सभी ने तालियां बजाकर उनका उत्साहवर्धन किया। नव प्रशिक्षुओं का गार्ड ऑफ ऑनर क्षेत्र मुख्यालय बेतिया के DIG सुनील कुमार ध्यानी ने लिया। कुल मिलाकर 275 नव प्रशिक्षुओं को ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा और समर्पण के साथ राष्ट्र सेवा करने की शपथ दिलाई गई, जिसमें बिहार से 50 प्रशिक्षुओं ने यह उपाधि हासिल की है। राजगीर की गलियों में टमटम की सवारी करते दिखे CM नीतीश। बीते कुछ दिनों से बिहार के मुखिया नीतीश कुमार नालंदा में जनसंवाद कार्यक्रम का हिस्सा बनने पहुंचे हुए हैं। इसी के तहत वो बीते दिन राजगीर में थे, जहां उन्होंने टमटम की सवारी की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने टमटम पर बैठकर ही रोड शो करते हुए लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। अपने चहेते मुख्यमंत्री की एक झलक पाने के लिए लोगों की भीड़ भी सड़कों पर दोनों ओर दिखाई दी। लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। इतना ही नहीं, इस दौरान मुख्यमंत्री ने राजगीर के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया और अपने पुराने साथियों से मिलकर हालचाल भी जाना। इतने हजार वार्डों में नहीं हुआ क्रियान्वयन और प्रबंधन समिति का गठन। बिहार के पंचायती राज विभाग बीते कुछ समय से लगातार ऐसे निर्देश दे रहा है कि ग्राम पंचायतों के वार्डों में क्रियान्वयन और प्रबंधन समिति का गठन किया जाए, लेकिन अफसोस विभाग के बार बार के निर्देश के बावजूद सूबे के ग्राम पंचायतों में अभी तक 67,000 वार्ड क्रियान्वयन और प्रबंधन समिति का ही गठन हो सका है। पंचायती राज विभाग ने अब इसको लेकर सभी जिलों को सख्त निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द सभी वार्डों में इस समिति का गठन किया जाए। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि वर्तमान समय में राज्य के सभी 8,067 ग्राम पंचायतों में 110,000 से अधिक वार्ड है। इस तरह अभी 43,000 वार्ड क्रियान्वयन और प्रबंधन समितियों का गठन बाकी है। बिहार में अब नहीं चोरी होगा कोई भी लोहे का पुल। बिहार में चोरी के कई कारनामे आपने जरूर सुने होंगे, लेकिन बीते दिनों ही जब ऐसी खबरें आई कि रातों रात लोहे से बनी पुल की चोरी हो गई, तो प्रशासन की नाकामी और चोरों के शातिर दिमाग की चर्चा फिर तेज हो गई। इतना ही नहीं, इस मामले ने तो सरकार के कान तक खड़े कर दिए, जिसके बाद ही अब सरकार भी हरकत में आ गई है और सरकार ने यह फैसला लिया है कि वो प्रदेश के तमाम खाली पड़े लोहे के पुलों को स्क्रैप में बेच देगी। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने जल संसाधन विभाग के सभी संभागों के मुख्य अभियंताओं को अप्रयुक्त पुलों का आकलन करने को कहा है, जिससे में ऐसी किसी भी चोरी को रोकने में मदद मिल सके। बिहार को स्मार्ट बनाने का दावा कर रही थी सरकार, टॉप 20 में भी नहीं मिली जगह। बिहार के कई शहरों को स्मार्ट बनाने में सरकार ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। हालांकि अब जो परिणाम निकल करके सामने आए हैं उसके आंकड़े चौंकाने वाले हैं, या यूं कहें कि सरकार के लिए एक रियलिटी चेक है। बीते दिन जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार देश के टॉप 20 शहरों में बिहार का एक भी शहर शामिल नहीं हो पाया। यह स्थिति 1,00,000 से अधिक और 1,00,000 से कम आबादी वाली दोनों श्रेणियों के शहरों को लेकर है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि यह खुलासा तब हुआ जब स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 को लेकर फीडबैक देने में राज्य के लोगों की रुचि सामने आई। पहली बात तो राज्य के ही लोग इसमें कोई रुचि नहीं ले रहे थे, और दूसरी स्थिति कि जितने भी फीडबैक लिए गए उसके रिपोर्ट चौंकाने वाले हैं। मालूम हो कि फीडबैक देने की अंतिम तारीख 15 अप्रैल तक की है। राज्य में सर्वाधिक पटना के 30,000 से अधिक लोगों ने अपना फीडबैक दिया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली तलब, बढ़ी सियासी हलचले। बिहार के कांग्रेस खेमे में सियासी हलचल तेज हो गई है, क्योंकि बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को दिल्ली तलब किया गया, जिसके बाद वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। हालांकि उन्हें दिल्ली क्यों बुलाया गया है इस पर तो कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन कांग्रेस के सीनियर नेताओं की माने तो कांग्रेस बिहार में एक नई राजनीतिक समीकरण बना रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को इसको लेकर ही दिल्ली तलब किया गया है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस बिहार में दलित और मुसलमानों के अपने पुराने गठबंधन को मजबूत करना चाह रही है। राजद ने किया बोचहा विधानसभा सीट पर जीत का दावा। प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुकी बोचहा विधानसभा सीट जल्द ही अपना फैसला सुनाने वाली है। सफलतापूर्वक मतदान के बाद अब 16 अप्रैल को फैसला आने वाला है। इसी बीच अब बोचहा विधानसभा सीट को लेकर राजद ने बड़ा दावा किया है, जिसके तहत राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने बड़ा बयान देते हुए साफ तौर पर मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि राजद के उम्मीदवार अमर पासवान को लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया है, वहां से उनकी जीत पक्की है। भाजपा प्रत्याशी की वहां पर जमानत जब्त होगी। जनता ने साफ संदेश दे दिया है और बता दिया है कि वर्तमान सरकार पर उन्हें भरोसा नहीं है। चिराग ने फिर कहा नीतीश कुमार बख्श दे बिहार। बिहार की राजनीति में इन दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कुर्सी को लेकर खूब चर्चा हो रही है, क्योंकि हाल ही में ऐसी खबरें मीडिया में उड़ी थी कि मुख्यमंत्री अब उपराष्ट्रपति की रेस में शामिल होने वाले हैं। हालांकि सीएम नीतीश खुद इस बात को काट चुके हैं, लेकिन इस मुद्दे पर बिहार में राजनीति कम नहीं हुई है। इसी राग को अब चिराग ने फिर दोहराया है।
इसके तहत ही बीते दिन मीडिया से बातचीत के दौरान चिराग पासवान ने कहा कि सीएम नीतीश राष्ट्रपति बने या उपराष्ट्रपति, लेकिन वो बिहार को बख्श दे, बिहार से उनका जाना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार 2005 से लगातार मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री ने 2005 में ही कहा था कि उनका सपना है कि बिहार से पलायन करने वाले बिहारियों को वापस लाए, लेकिन उनका सपना ही जब पूरा नहीं हो पाया तो वो बिहार के लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे और उनका क्या सपना पूरा करेंगे। 15 अप्रैल को सीएम नीतीश की होगी इफ्तार पार्टी। मौका रमजान का हो तो बिहार की राजनीतिक दलों की इफ्तार पार्टियां भी चर्चा में होती है, जिसमें से एक पार्टी होती है बिहार के मुखिया नीतीश कुमार की। हालांकि बीते 2 साल से कोरोना के कारण उनकी तरफ से किसी भी तरह के पार्टी का आयोजन तो नहीं करवाया जा रहा था। चूंकि अब कोरोना के मामले कम है, ऐसे में सीएम नीतीश कुमार 15 अप्रैल को सीएम आवास में इफ्तार पार्टी देने जा रहे हैं। इसके लिए तैयारी शुरू हो गई है। इससे पहले पिछले दिनों अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने भी अपने सरकारी आवास पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था। मुख्यमंत्री के साथ बड़ी संख्या में नेताओं ने वहां पर शिरकत किया था। राजद एमएलसी को ही तेज प्रताप ने बताया आरोपी। हाल ही में बिहार में एमएलसी चुनाव संपन्न हुआ और मतगणना भी सफलतापूर्वक पूरी हुई, जिसमें राजद बिहार भर में दूसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, जिसमें कई उम्मीदवारों ने जीत अपने नाम दर्ज करवाया, जिसमें से एक नाम था सौरभ कुमार का, जिन्होंने पश्चिम चंपारण से राजद के टिकट पर जीत दर्ज की थी। लेकिन बीते दिन उनको मिली इस जीत में एक नया एंगल देखने को मिला, जब खुद लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने उनके खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया, जिसके तहत उन्होंने सौरभ कुमार पर एक के बाद एक कई आरोप लगाए, जिसके तहत उन्होंने कहा कि इंजीनियर सौरभ कुमार ने पैसे के दम पर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इतना ही नहीं, तेज प्रताप ने यह भी कहा कि वो राजद से सौरभ को एमएलसी चुनाव में टिकट दिए जाने के पक्ष में कभी नहीं थे। सम्राट अशोक के बाद अब वीर कुंवर सिंह की जयंती में भाजपा दिखाएगी अपनी ताकत। धर्म की राजनीति आज की सच्चाई है, जिसमें भाजपा का नाम सबसे पहले है, क्योंकि यही एक ऐसी पार्टी है जो धार्मिक कामों में काफी ज्यादा मशक्कत करती दिखाई देती है। हाल ही में सम्राट अशोक की जयंती के मौके पर भी भाजपा का जोश देखने लायक था, जिसके बाद ही अब भाजपा जल्द ही वीर कुंवर सिंह की जयंती मनाने वाली है और इस मौके पर अपनी ताकत दिखाने वाली है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार पटना में वीर कुंवर सिंह की जयंती को भव्य तरीके से मनाने के लिए भाजपा कार्यालय में मंत्री और नेताओं की बैठक हो रही है। इस बैठक में 23 अप्रैल को विजय उत्सव मनाने पर चर्चा होगी। भाजपा वीर कुंवर सिंह की जयंती पर रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में है। इस कार्यक्रम की भव्यता आप इसी से समझ सकते हैं कि इस कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होने वाले हैं। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। सिखों के 10वें गुरु अर्जुन देव का 1563 में जन्म हुआ। औरंगजेब ने 1659 में दिल्ली पर हुकूमत की लड़ाई में दारा को हराया। भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का 1891 में आज ही के दिन जन्म हुआ था। भारत रत्न से सम्मानित प्रसिद्ध भारतीय अभियंत्रक एम विश्वेश्वरैया का 1962 में निधन आज ही के दिन हुआ। भारत चौथी बार 1995 में एशिया कप क्रिकेट चैंपियन बना। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और बिहार में 2010 में चक्रवाती तूफान आया था। हिंदी फिल्म के प्रसिद्ध पार्श्व गायिका शमशाद बेगम का 1919 में जन्म आज ही के दिन हुआ था। भारत के महान अभियंता और राजनयिक भारत रत्न से सम्मानित मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया का 1962 में निधन आज ही के दिन हुआ था। मुंबई को मिली पांचवी हार, रोमांचक मुकाबले में पंजाब ने मारी बाजी। मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच आईपीएल के 15वें सीजन का 23वां मैच खेला गया। पंजाब किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 198 रन बनाए। इसके जवाब में मुंबई इंडियंस की टीम ने 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 186 रन ही बनाने में कामयाबी हासिल की। पंजाब ने ये मैच 12 रन से जीता है। मुंबई इंडियंस की इस सीजन में लगातार ये पांचवीं हार रही। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस सीजन में मुंबई के खाते में एक भी जीत नहीं आई है, जिसके बाद से ही रोहित शर्मा की कप्तानी पर भी सवाल उठने लगे हैं। वहीं आज खेले जाने वाले मुकाबले की बात करें तो आज गुजरात और राजस्थान के बीच में शाम 7:30 बजे मुकाबला होने वाला है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है कुमकुम चौधरी, गौतम कुमार, विकास बिहारी, सुजीत कुमार, मनोज कुमार, लाल बाबू, दिव्यांशु कुमारी, विकास कुमार यादव, मंडन यादव, कृष्णा कुमार, मनीष कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार के सबसे लोकप्रिय नेता अब तक कौन रहे हैं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।